प्रेरितों के कामों का वर्णन पांचवां अध्याय। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग तीन घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भरकर उठे, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में न पाया, और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि यह क्या हुआ चाहता है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पत्थरवाह न करें। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया, और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था,
न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इसराइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे, कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में